लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। उत्तराखंड में फिर बादल फटा। उत्तराखंड में एक बार फिर शुक्रवार शाम। उत्तराखंड में गौरतलब है कि इससे पहले भी 2013 में प्रकृति उत्तराखंड में अपना कहर दिखा चुकी है। जून 2013 में बादल फटने की घटना ने प्राकृतिक आपदा का रूप ले लिया था, जिसके कारण करीब 4,500 से अधिक लोगों मौत हुई थी। काफी समय के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा को भी रोक दिया था। अब एक बार फिर केदारनाथ पुरी को दोबारा बसाने का काम जारी है। उत्तरकाशी, टिहरी समेत चार जगह बादल फटा है, जिसके बाद मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बादल फटने की घटना के बाद बचाव दल की 5 टीमों को उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया गया है। आंधी तूफान से यमुना घाटी में बिजली गुल हो गई है। उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के बाद राजधानी दिल्ली में भी अचानक मौसम ने करवट बदली। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेज बारिश हो रही है। शाम से ही आसपास के इलाके में तेज हवाएं चल रही हैं। खराब मौसम की वजह से बद्रीनाथ मार्ग को रोक दिया गया था। गाड़ियों को ऋषिकेश की तरफ भेजा जा रहा है।